शांति सत्रह मई आज अव्यक्त व्यक्त पाप दादा का आगमन हुआ है और बाबा तो अपने बच्चों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं बहुत सुंदर टाइटल है होली और हैप्पी हंस कितना सुंदर नाम दिया भगवान ने अपने बच्चों को होली माना पवित्रता जहाँ पवित्रता है वहां अविनाशी खुशी है खुशी भी अलौकिक खुशी तो बाबा आज हम सबको बहुत डीप बातें सुना रहे हैं। अगर खुशी गुम होती है अगर खुशी सदा नहीं रहती उन खुशी का नशा चढ़ा नहीं रहता तो समझो कहीं ना कहीं पवित्रता में कमी है हमें चेक करना अपना तो बाबा ने कहा पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं वो तो हो गई लेकिन अब देखिए पहले संकल्प साधारण और व्यर्थ संकल्प भी न हो कर्म भी साधारण कर्म नहीं वो तो दुनिया में भी तुम करते थे बोल भी साधारण और व्यर्थ न हो तीनों चीजें यदि साधारण व्यर्थ है तो यह भी अपवित्रता है क्योंकि इससे आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती ही जाती हैं तो हमारी जो खुशी है वो अविनाशी खुशी है आंतरिक खुशी है सूक्ष्म खुशी है हमें ये चेक करना है हमारी खुशी जाती तो नहीं बाबा ने बहुत अच्छी बात है कही कई चीजें गिनाई देखो अगर खुशी किसी आधार पर है तो वो खुशी नष्ट होती रहेगी मान लो छोटी सफलता के आधार पर खुशी है किसी प्राप्ति के आधार पर खुशी है तो जब वो नहीं होगी तो समाप्त हो जाएगी ना कहीं मानसान मिलता है उससे खुशी होती है कोई वस्तु मिलती है उससे खुशी होती है मान लो सेवाओं में सफलता बहुत हो गई तो उससे हमें बहुत खुशी होती है कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है जिससे हमारा बहुत प्यार है साथ मिलता है सहयोग मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है भिन्न भिन्न साधन हमें प्राप्त होते हैं खुशी होती है अच्छा देख लीजिए इन सब चीजों से हमें खुशी तो होती है लेकिन ये खुशी अलौकिक खुशी या अविनाशी खुशी नहीं है अलौकिक खुशी है जो परमात्म मिलन की खुशी श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति की खुशी इतना श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना मिला है उसकी खुशी क्या मिला क्या कर रहे हैं उसकी खुशी तो बाबा कह रहे हैं अब दूसरी बात इसमें बहुत अच्छी आई ये तो बाबा ने पवित्रता से खुशी को जोड़ा सबको अनुभव है दृष्टि भी कहीं है, पवित्र गई खुशी गुम हो जाएगी किसी के अवगुण भी देखे खुशी गुम हो जाएगी कहीं पर चिंतन चल गया तो खुशी गुम हो जाएगी लेकिन बाबा अब कह रहे सेवाओं के फील्ड में कहीं टकराव हो जाता है कहीं सफलता कम मिलती है नहीं मान नहीं मिलता है कोई प्राप्ति नहीं होती है तो सेवा खुशी को गुम करा देती है तो बाबा बहुत बार ये बात कही थी कि ऐसी सेवा को छोड़ो खुशी को प्राप्त करो जो सेवा खुशी न दे वो सच्ची सेवा नहीं है क्योंकि तो बाबा ने सेवा के डेफिनेशन दी सेवा का अर्थ है बगीचे को हरा भरा करना बाबा का बगीचा है ना ये कांटों को फूल बनाना खिले हुए फूल तो हम खुश नहीं तो खिले हुए फूल नहीं ना तो वो सेवा नहीं है बाबा कह रहे उस सेवा को छोड़ो पहले अपनी खुशी को बढ़ाओ बाबा कह रहे हैं जो मंजिल को भूल गया इधर उधर भटक गया साइड सीन में भटक गया विश्व राज अधिकारी तो बन ही नहीं सकता कोई भिन्न भिन्न बातों में खुशी को नष्ट कर देते हैं। खुशी को नष्ट करने वाली तो सो आते हैं सत्यता को कोई सुन नहीं रहा है मैं सत्य हूं मेरी स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं बाबा कह रहे सत्यता की खुशबू कभी छुप नहीं सकती है इसलिए खुशी के भंडार बनो किसी भी बात से आज हम अपने को चेक करेंगे किसी भी बात के कारण हमारी खुशी ना हो चाहे कोई भी बातें तो बाते हैं उन हद की बातों को हम छोड़ते चले और जो जीवन का लक्ष्य है बाबा आज कह रहे इसीलिए तो आए हो बाबा के पास ये हद की प्राप्तियों की वस्तुओं की अच्छे खाने की खुशी ये तो तुम्हें संसार में भी थी लेकिन यहां तुम आए हो अविनाशी रूहानी अलौकिक की खुशी को प्राप्त करने के लिए तो उस खुशी को किसी भी बात के कारण नष्ट न होने दो खुशी के भंडार बनो प्रवर्ती मार्ग वालों से बाबा बात कर रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते तुम्हें न्यारे और प्यारे रहना है तो न्यारे प्यारे प्यारे रहते हो या कहीं अटैचमेंट रहता है बहुत सुंदर राज की बात है अटैचमेंट ही विघ्नों का कारण बनता है अगर अटैचमेंट से मुक्त हो प्रवृत्ति मार्ग वाले तो कई विघ्नों से भी मुक्त हो जाएंगे दो सुंदर हमारे काम की बातें चिंता यदि कहीं है तो निश्चय की कमी है चाहे अपने में चाहे बाबा में चाहे ड्रामा में हम इन सब निश्चय को बढ़ाएं और पूरे बलिहार हो जाएं सब कुछ तेरा है है दूसरी बात है, मेरा से ही समस्याएं आती हैं मेरे को तेरे में बदल दे प्रवृत्ति मार्ग वालों को बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं और आज वरदान है बाबा ने हमें श्रेष्ठ भाग्य दिया है अपने भाग्य की श्रेष्ठ स्मृति में रहना है आज का सबसे श्रेष्ठ भाग्य है भगवान हमारी सेवा में उपस्थित हुआ है सोचें जरा और इस नशे में आ जाएं भक्ति में हमने भगवान की सेवा की अब वो हम ठाकुरों को उठाता है सुलाता है भोग लगाता है भगवान हमारी सेवा में आ गया है तो भगवान के लाडले बनो माया के लाडले नहीं और स्लोगन है अपने चेहरे से सर्व प्राप्तियों की खुशी का दूसरों को अनुभव कराना ये सच्ची सेवा है आज तीसरा रविवार है और हम सारा दिन ही याद करेंगे मैं बहुत भाग्यवान हूं और शाम को जब एक घंटा योग करेंगे विश्व सेवा के लिए तो प्यार का सागर है बाबा उसके प्यार में मगन होंगे क्या क्या उसने हमें दिया उसे याद करेंगे और फील करेंगे उसके प्यार की तरंगे मुझे आ रही हैं चारों ओर फैल रही हैं तो सवेरे से अभ्यास करेंगे तो शाम को अनुभूति बहुत सुंदर होगी ओम शांति टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन YouTube, ट्यूब सब्सक्राइब यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश टीवी पीस ऑफ माइंड जस्ट अलिक फॉर अ पीसफुल लाइफ